अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल फ्लेवर रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पेपर पराठा। उसके लिए हमें सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। हमने ये आटा लिया है जो आप रोज़ घर में इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमने आधी कटोरी मैदा मिला लिया है, जैसे हमारा पराठा थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। अगर आपके पास होटल में इस्तेमाल करने वाला आटा है, जो आर आटा कहते हैं, अगर है तो वो इस्तेमाल करिए तो उससे और क्रिस्पी बनेगा। नहीं, घर का नॉर्मल आटा आप रोटी में जो बनाते हैं यूज़ करिए, बहुत अच्छा पराठा बनेगा। इसमें हम ये आधा चम्मच नमक डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल या घी आप डाल लीजिए, थोड़ा सा इसको मोइन के लिए। ये हमने 2 चम्मच के अंदाज से ऑयल डाला है। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से गूंदेंगे। इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे कि आटा हमारा गीला हो जाए। देखिए आटा गून गया है। इसको थोड़ी देर हाथ में पानी लगा के थोड़ी देर इस तरह अच्छे से गूंदेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बहुत गीला भी आटा नहीं होना चाहिए। बस जैसे रोटी बनाते हैं नॉर्मल ही रखना है। ये देखिए, ये हमारा आटा अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको हम गीले कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे और हम इसका भरवा तैयार करेंगे। पराठे का भरवा देखिए हमारा तैयार हो गया आटा। इसको ये हमने गीले कपड़े से अच्छे से ढक के रख दिया है, थोड़ा सा फूल जाएगा आटा। अब हम आलू लेंगे। ये हमने देखिए 2 बड़े आलू घिस के रखे हैं, आप अपने हिसाब से फोड़ के भी रख सकते हैं। हमने कद्दूकस इसलिए किया कि इसमें गांठ ना रह जाए। अब इसमें हम मसाला मिलाएंगे। इसका मसाला थोड़ा तेज़ रखेंगे और तीखा होना चाहिए। ये हमने 1 कटी मिर्च, थोड़ी सी अदरक बारीक कटी ली है और 1 ही बारीक छोटा प्याज भी, हमने छोटा बारीक प्याज काटा था। थोड़ा सा आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और उसमें मसाले में देखिए हमने 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1/2 ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कलौंजी, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच से कम काला नमक है और ये 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा अमचूर पाउडर है। थोड़ी सी इसमें हींग हम डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हमने हींग और सारे मसाले डाल दिए। अब इसमें हम हरा धनिया ढेर सारा डाल दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से डालिए। हरा धनिया बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू आ रही है। और इसको अच्छे से हाथ से सारे मसाले को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये मसाला हम तीखा और चटपटा इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसकी फीलिंग बहुत पतली लेयर हम इसमें पराठे में डालते हैं, इसलिए नमक मिर्चा इसमें थोड़ा तेज़ होना चाहिए, चटपटा, तभी पराठे का मज़ा आएगा। ये देखिए हमारी फीलिंग भी तैयार होगी, भरवा तैयार है। अब हम पराठे की तैयारी करेंगे। ये देखिए हमारा आटा तैयार है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। 1 पराठे के लिए हमें 2 लोइयों की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी बना लीजिए, बहुत बड़ी लोई नहीं बनाएंगे, नहीं पराठा भी बहुत बड़ा होगा और या तो मोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं बनाएंगे तो। देखिए हमने 1 रोटी बेल ली है। अब इसी तरह दूसरी लोई लेके दूसरी रोटी बेलेंगे। सूखा आटा लगा के बेलेंगे तो अच्छे से पतली रोटी बेल जाएगी। ये देखिए हमने 2 रोटी बेल ली है। इस पे 1 चम्मच लेंगे, 1 चम्मच से 2 चम्मच तक इसको पतला सा लेयर फैला देंगे। इस पे हम हल्का सा आटा डालेंगे और इसको ये ऊपर से ढक देंगे दूसरी रोटी से और इस पे आटा लगा के हम इसको पतला सा बेलेंगे। या बस ऊपर से लगा सकते हैं, इसको लगा के पतला सा बेलेंगे और इसको हम ये लोहे के तवे पे सेकेंगे। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी तैयार होगा। आप जितना बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। देखिए हमने रोटी कितनी छोटी बनाई थी लेकिन ये बड़ा हो गया।
ये देखिए हमारा एक पराठा तैयार हो गया है, इसको हम हटा लेंगे। अब इसी तरह ये देखिए हम इसको दूसरा सेकेंगे, और इसको हमने सेकने के लिए ये देखिए इसको ये इसको इसके पलटे के मदद से इसको ऐसे खोल लेंगे। देखिए हमारा क्रिस्पी पराठा तैयार हो रहा है। एक पराठा हमने तैयार कर लिया, दोनों ऐसे इसमें तेल लगा के या घी लगा के आप जो भी पसंद करते हैं। ये देखिए हमारा ये दूसरा भी पराठा तैयार हो गया। इससे दो से हमारे चार पेपर पराठे तैयार हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं। ये देखिए अच्छे अच्छे इसी तरह आप सारे पराठे तैयार कर लीजिए। इसको हम निकाल के ये देखिए एक बार हम आपको फिर से फोल्ड करना बता रहे हैं। हम गैस ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पराठे अलग हैं। आप थोड़ा सा हम तो गरम गरम ही रोल कर रहे हैं, लेकिन आप ठंडा करके रोल कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पराठा तैयार होता है पेपर पराठा। आप इसको चटनी के साथ, मनपसंद सब्जी के साथ, ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाएंगे, मनपसंद चटनी या अचार, और ये पराठा आप नाश्ते में खाने में किसी उस वक्त भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठा है। देखिए दोस्तों ये पेपर पराठा हमारा तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी है। एक बार ज़रूर बनाइए घर पर, बहुत ही अच्छा बनता है। ट्राई ज़रूर करिए। इसी तरह से आसान रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आए तो लाइक करिए, डिसलाइक करिए, ना पसंद आए तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह हम आसान आसान रेसिपी आपके लिए लेकर आते रहेंगे।